खबर राजधानी देहरादून से है, जहां आज किसान भवन में कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में राज्य जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं परिषदीय बैठक का आयोजित की गई। आयोजित बैठक में जैविक कृषि के विकास एवं कार्मिकों से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही बैठक में जैविक उत्पाद परिषद के वर्तमान ढांचे की मजबूती के लिए 67 नए पदों को सृजित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। वह बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को जैविक खेती के विकास के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक से पूर्व उन्होंने किसान भवन में लगी प्रदर्शनी के स्टॉलों पर उत्पादों का जायजा भी लिया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी का भारत सरकार की जैविक उत्पाद और मैंने एक हफ्ते के अंदर ये बैठक आउट की और जो मैंने मंत्रालय से संभालने के बाद 3 साल में अनुभव लिया है वो आज बोर्ड के कई माननीय सदस्यों के साथ अधिकारियों के साथ हमने शेयर किया है। और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हरियाणा 25 साल का होगा हम 50% से अधिक जैविक होंगे। आज हम 30% ऑर्गेनिक हैं। हमने संकल्प किया है कि हमारे कम से कम 95 ब्लॉक की 46 बैंकों को ऑर्गेनिक करेंगे। आज हमारा एक जिला ऑर्गेनिक रुद्रप्रयाग, हम 5 जिलों को ऑर्गेनिक करेंगे, क्योंकि आज ऑर्गेनिक खेती में इतना फायदा है कि जो चीज़ उदाहरण के लिए जो चावल 100 रुपये किलो बिकता है अगर वो ऑर्गेनिक जाता है तो उसका दाम 250-300 रुपये हो जाता है। इसके लिए किसानों की ट्रेनिंग के लिए मछखाली और टीरी में हमारे सेंटर उनको रिवाइव कर रहे हैं। अभी तक 30,000 लोगों ने मछखाली से यहाँ से ट्रेनिंग ली है। मैंने अधिकारियों को निश्चित किया है कि शीघ्र ही ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर रिवाइव हों